नमस्कार, आप देख रहे हैं कुक विद रेणुका। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ओरियो ब्लैक फॉरेस्ट केक। ना उसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना ही हम बेकिंग सोडा डालेंगे और ना ही हम उसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बिना ऑयल वाला और बिना ओवन के और बिना एग के ये केक बनके तैयार होगा। एक सुपर सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया केक बनके तैयार होगा। इसमें हम किसी भी प्रकार की और कोई भी सामग्री नहीं डालेंगे। ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और बढ़िया केक बनके तैयार होगा। तो आइए बनाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। इसके लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट्स। मैंने दो बड़े पैकेट बिस्किट लिए हैं, जो एक पैकेट 120 ग्राम का है। तो इसे हम अनपैक कर लेते हैं और ये टोटल दो पैकेट हैं, 240 ग्राम के बिस्किट हैं ये। ये पूरे बिस्किट हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इन्हीं बिस्किट्स को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। छोटे छोटे टुकड़े करके हमें इसे डालना है, बड़े बड़े टुकड़े नहीं होना चाहिए। और इसकी क्रीम हमें नहीं निकालनी है, वैसे ही लगी रहने देना है क्रीम भी, उसमें बिस्किट की जो क्रीम है उसमें लगी रहने देना है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और अब इसको ये देखिए बिल्कुल बारीक पिस चुका है ये। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। पूरा अच्छी तरह से एक बोल में पूरा निकाल लेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे कि इसमें बिस्किट के जो पीस हैं वो तो नहीं है, रह गए हैं इसमें। ये नहीं, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, बिल्कुल भी पीस नहीं है बिस्किट के इसमें। इसके लिए मैंने एक कप दूध लिया है, जिसमें आधा आधा कप करके हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करेंगे, एकदम से पूरा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मिक्स करते जाएंगे। और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब ये धीरे धीरे डो के फॉर्म में आ रहा है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें बाकी बचा जो आधा कप दूध है वो भी डाल देंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और अच्छी तरह से पहले से मिक्स करेंगे। ये पूरा मिक्स हो गया है, लेकिन अभी हमें ये डो के फॉर्म में लग रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, और दूध डाल देंगे। पूरा जो बचा हुआ दूध है वो डाल देंगे। हमें इसे बैटर बनाना है, इसका डो नहीं बनाना है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जैसे कि जो केक का अच्छी तरह से बैटर बन जाए। ये देखो केक का बैटर बन गया बिल्कुल ये। और इसे थोड़ा ऐसे चलाते रहना, जिससे मान लो इसमें कोई बिस्किट का छोटा मोटा पीस भी है तो वो घुल जाए इसी में। और हमें रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। तो ये देखिए बैटर अच्छी तरह से हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें डाल देंगे हम इनो और उसमें डाल देंगे एक चम्मच दूध और फिर पूरे बैटर में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इनो डालने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे तुरंत ही कढ़ाई के अंदर रख देना है, ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना है।
ये देखिए अच्छे से मिक्स हो जाइए और बैटर एकदम हल्का हो गया है, ये देखिए जी बहुत ही हल्का हो गया है और इस तरह से मिक्स हो गया है ये पूरा। अब हम इसे डाल देंगे केक टिन में। केक टिन मैंने पहले से तैयार करके बटर पेपर लगाकर ग्रीस करके इसे तैयार करके रखा है। पूरा बैटर हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से टैप कर देंगे, इसमें जो भी एयर बबल है वो निकल जाए। अब जो हमने पहले से प्रीहीट करी हुई कढ़ाई रखी है उसमें हम इस केक टिन को रखेंगे और इसमें मैंने कढ़ाई का ढक्कन हटा दिया, इसमें एक बड़ा बर्तन लगाया है जिससे कि इसमें हीट इकट्ठी हो सके और ऊपर से केक हमारा अच्छी तरह से पक सके। अब इसे अच्छी तरह से इसे ढक देंगे। जब तक हमारा केक बनता है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे। और जो क्रीम है हमने जो व्हिप्ड क्रीम आइसिंग के लिए ली है, एक कप क्रीम हम इसके मिक्सी के जार में लेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मैंने इसे बीटर की यूज़ नहीं किया, ये देखिए फिट के कितनी अच्छी हल्की सी हो गई है और एकदम आइसिंग के लायक तैयार हो गई है। मैंने इसे मिक्सी के जार से इसे फेंटा, इसे बोल में निकाल लेते हैं। अब हम इसे अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं कि ये बना है या नहीं। अब इसमें एक स्टिक डाल के देखेंगे। स्टिक देखिए बिल्कुल साफ स्टिक निकली हुई है अंदर से, इसका मतलब है हमारा केक बन चुका है। और हम इसे नीचे रख देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसके साइड स्क्रैच कर लेते हैं हम। और इसे निकाल लेंगे इससे बाहर, केक टिन से इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बन के तैयार हुआ है। ये बटर पेपर हम इससे निकाल देंगे, धीरे धीरे करके निकालेंगे। पूरी तरह ठंडा हो चुका, अब हम इसमें आइसिंग करेंगे। तो हम उसको पूरी जो क्रीम है व्हिप्ड क्रीम उसे पूरी अच्छी तरह से इस पर लगा देंगे। इसे ऐसे लगाने के बाद इसे एक बार हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे जिससे कि हमारी वो क्रीम है मेल्ट ना हो। अब ये देखिए हमने फ्रिज से निकाला, इसके बाद फिर से हम इस पर दोबारा से फिर लगाएंगे। इसके फाइनल टच के लिए, इसको स्मूथ करने के लिए फिर से मैं इस पर क्रीम लगा रही हूँ, व्हिप्ड क्रीम फिर से लगा रही हूँ। इस तरह से पूरे में लगा देंगे इसको। अब इससे जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई है वो पूरी निकल जाएगी, एकदम चिकना और स्मूथ केक दिखने लगेगा। ये ऊपर थोड़ी सी और लगा देते हैं, साइड से कुछ कम लग रही थी इसलिए दोबारा फिर लगाते हैं और ये फिर से इसे स्मूथ कर देते हैं अच्छे से। ये पूरी अच्छे से और अच्छे से इसको करते हैं। ये पूरी तरह कितना बढ़िया स्मूथ एकदम चिकना हो गया केक हमारा, ये देखिए। अब इसमें हम आइसिंग के जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना वो बना देते हैं। अब मैंने जो ओरियो बिस्किट है उसके 2 टुकड़े किए हैं एक बिस्किट के और उन्हें इसे बीच बीच में इस तरह से लगा देंगे। बीच बीच में हम क्या करेंगे, इसमें जो बीच वाली जगह में डार्क चॉकलेट है उसे पील की हुई जो डार्क चॉकलेट है वो लगा देंगे। इस तरह से पूरे में लगा देंगे और इस साइड में भी पूरे में डार्क चॉकलेट लगा देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से लगानी है
जैसे कि वो जो पहले हमने आइसिंग की वो बिल्कुल ना निकले, ये नीचे भी पर पूरे जगह अच्छे हल्के हल्के हाथों से इसे लगाना है। वो पील की हुई डार्क चॉकलेट वो अच्छी तरह से लग गई है, पूरी से लग चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, चोको चिप्स होता है चॉकलेट चिप्स, वो हम पूरी जो वाइट आइसिंग पे थोड़े थोड़े से लगा देंगे, कुछ दाने उसके लगा देंगे इस तरह से पूरे में, ये इसमें भी लगा देंगे, सब में जितने भी हमने आइसिंग के फ्लावर बनाए हैं उसमें देंगे। बीच में हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरियो बिस्किट है उसे कट करके बीच में इस तरह से उसे लगा देंगे। ये हमारा ओरियो ब्लैक फॉरेस्ट केक बन के बिल्कुल तैयार है। इसमें बीच में भी हम ये चोको चिप्स वगैरह डाल देंगे। ये हमारा केक बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और आइए अब इसे कट करके देखते हैं कैसा बना है। ये हमारा ये देखिए कितना बढ़िया सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक बन के बिल्कुल तैयार है। कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में भी खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है जितना दिख रहा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है, देखिए कितना आसानी से कट गया है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली रेसिपी की वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।